Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस हमें मारने के लिए लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका है. तो देखो, लास्ट टाइम तो उसने अपने एक हिटमैन को भेजा था ताकि वो हमें स्नाइपर के थ्रू साइलेंटली किल कर दे और किसी को कुछ पता भी ना चले. बट हम लोग जैसे तैसे बच निकले क्योंकि इस मामले की इन्फॉर्मेशन हमें पहले मिल गई थी. बट हो सकता है कि वो हमें आगे दोबारा मारने का ट्राई करे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही उसको मार डालें. अब अपनी लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार बचाना. बट प्रॉब्लम ये भी है कि यार उसको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है. मतलब बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे टैंक्स, वेपन्स, सब कुछ है उसके पास. तो लेस्टर ने हमें बोला कि उसको मारने का एक ही तरीका है और वो है मिलिट्री वालों का टैंक. तो मैंने अपना पूरा दम लगा के मिलिट्री बेस से उनका मोस्ट पावरफुल फ्यूचरिस्टिक टैंक चुरा लिया डगन बॉस को मारने के लिए. बट उसके बाद तो भाई और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि इस टाइम पर मेरे पीछे सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी मिलिट्री हाथ धोकर पड़ चुकी है क्योंकि उन्हें पता है ये टैंक मेरे पास है और ये टैंक उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है. इसकी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा. फिलहाल तो मैं इस टैंक को लेके काफी सीक्रेट लोकेशन पर आ चुका हूँ. यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है. हाँ, मतलब एक छोटा सा घर है, काफी हॉरर सा हाउस है. शायद इसके अंदर कोई रहता भी नहीं होगा. बट हाँ, मुझे कुछ भी करके ना यहाँ से निकलना होगा टैंक को लेकर क्योंकि हो सकता है कि पुलिस ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए और मैं कोई प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता. लेस्टर ने हमारे लिए एक मस्त सा सीक्रेट बेस ढूंढ रखा है और वो हमारे लिए एक ट्रक भी भेज रहा है जिसके अंदर हम लोग इसे छुपा कर लेकर जाएंगे उसके पास और टैंक को छुपा देंगे. फिर हमें लेस्टर बताएगा पूरा प्लान डगन बॉस को मारने का. और वो ट्रक भी यहाँ पर आ चुका है. और वेट अ सेकंड भाई, ये ट्रक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. मैं इतनी देर से ये सोच रहा था कि यार इतना बड़ा टैंक है, हम लोग इसे कैसे लेकर जाएंगे, कौन सा ट्रक बनाया. बट ठीक है भाई, अभी अपना मस्त बॉडी गार्ड ही आया भाई. फटाफट से मैं टैंक को बाहर निकालता हूँ और जल्दी से इसे लोड कराते हैं इस ट्रक के अंदर और चुपचाप से लेकर चलते हैं लेस्टर के पास. भाई आज आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं भाई डगन बॉस को क्योंकि लेस्टर की प्लानिंग हमेशा हिट रहती है. बट एक सेकेंड, ये जो बंदा नीचे फिशिंग कर रहा था भाई, ये इस टाइम ऊपर आ चुका है. मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इसने अपना टैंक भाई देख लिया है. मेरे को ऐसा लग रहा है इसे मारना पड़ेगा भाई. टैंक, एक मिनट रुक जाओ, टैंक को पहले तो साइड खड़ा करते हैं. अपना बॉडी गार्ड टैंक को लोड कराएगा इसके अंदर. मेरे को इस बंदे को निपटाना पड़ेगा वरना भाई ये दिक्कत दे देगा आगे चल के. भाई एक सेकंड, मुझे ना भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि उस बंदे को हमारे ऊपर ना डाउट हो गया था यार. फिलहाल अभी अपना जो बॉडी गार्ड है वो टैंक लोड करवा देगा ट्रक के अंदर. मेरे को यार इस बंदे को ठिकाने लगाना पड़ेगा. ये किसी को तो भाई फ़ोन मिला रहा है अभी. एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं लपेटता हूँ घर के अंदर. ये शायद से इसी का घर है भाई. कैसे कबाड़ से घर के अंदर रहता है ये भाई. यार ये तो फोन पे बात करता हुआ घर में जा रहा है और मेरे को पक्का लग रहा है कि इसने पुलिस को बता दिया भैंस की. इसको यहीं निपटाना पड़ेगा गंदी तरह. बहुत तेज इसके मुंह पे रेंच मैंने मारा, सरी सर पे मार देता हूँ ताकि पुलिस आए तो ये कुछ बता ना पाए उन्हें. भाई मैंने तो उस बंदे को मार दिया लेकिन अभी उसका डॉग मेरे को काटने के लिए आ चुका है. मैं यहाँ से भाग रहा हूँ भाई, मुझे अपने पैर प्यारे हैं. हमारा टैंक मस्त अपने बॉडी गार्ड ने लॉन्च, वेट वेट वेट, लोड करा दिया भाई. तो यहाँ तक आ गया यार भाग के. ठीक है, मस्त लोड करा दिया भाई टैंक. बिल्कुल नहीं पता चल रहा क्योंकि इसने उसके आगे बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए हैं. चलो भाई फटाफट से चलकर बैठते हैं टैंक में. मैं इस टाइम पर मस्त ड्राइव करने वाला हूँ. चलो गाइस, अभी अपना बॉडीगार्ड भी मस्त ट्रक के अंदर आकर बैठ चुका है. और हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि ट्रक का साइज सचमुच में बहुत ही ज़्यादा है तो इसको चलाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है. लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर है. आराम से इसको लेकर जाएंगे लेस्टर के सीक्रेट बेस तक जो कि है पहाड़ों पर. तो इन रस्तों पे तो मैं इसे मस्त चला लूँगा लेकिन पहाड़ों पे थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है. लेट्स गो, पहुँचते हैं. रास्ता काफ़ी सुनसान है, टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीक्रेट सीक्रेट रास्तों से मिलेकर पहुँचना. वेट, थोड़ा सा भिड़ गया ट्रक बट काफ़ी मजबूत है तो बिल्कुल टूटने नहीं वाला. अभी जल्दी से पहुँचते हैं लेस्टर के पास और प्रॉपर प्लान पता करते हैं कि कैसे हमें मारना है इस टाइम डगन बॉस. तो चलो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग अपने इस बड़े से ट्रक को लेकर पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे. और अभी ड्राइविंग करने में भाई कोई इशू नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ बस फुल चौड़े चौड़े रास्ते हैं. तो फटाफट से ट्रक को भगाते हैं और लेकर चलते हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस पे. बट एक सेकेंड भाई, यहाँ पर तो पुलिस वालों ने मस्त नाकाबंदी कर रखी है चेकिंग करने के लिए और शायद से ये लोग उस टैंक की ही ढूंढा ढांडी में लगे हुए हैं. मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई अभी हम लोग फंसने वाले हैं क्योंकि अपने ट्रक के ट्रेलर में है वही टैंक जिसकी ये लोग ढूंढा ढांडी कर रहे हैं. भाई वेट,
मैं इनसे बात करता हूँ, थोड़ा मैटर सोल्व करते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस पुलिस ऑफिसर से बात हो चुकी है और मैं ट्राई कर रहा था कि इनको समझा दूं कि मेरे ट्रक में ऐसा कोई भी सामान नहीं है, मैं बस बॉक्सेस वगैरह लेकर जा रहा हूँ कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग चेकिंग करे बिना हमें जाने नहीं देंगे, इन्हें पूरी लिस्ट बनानी है कि हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं। तो मैंने पीछे वाला ट्रंक ओपन कर दिया है। आई होप ये लोग टैंक को नोटिस ना करें क्योंकि हमने बॉक्सेस वगैरह यहाँ पर अच्छे से भर रखे हैं, तो शायद से इसका ध्यान पीछे तक ना जाए। बाकी टॉर्च वगैरह मार के तो देख रहा है, लेट्स सी, देखते हैं इसे टैंक मिलता है फिर नहीं। अगर मिल गया तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, गोलियाँ हैं मेरे पास, सीधा मत्थे पे मारेंगे और ट्रक लेकर भागेंगे। मेरे को नहीं पता मैं बैरिकेड तोड़ पाऊंगा या नहीं, बट भागना पड़ेगा, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल पुलिस वालों से बात हो गई है और इन्होंने ट्रक की पूरी चेकिंग कर ली, लेकिन इनको भाई टैंक मिला ही नहीं। इन्होंने अभी हमें जाने की परमिशन दे दी है। मतलब लेस्टर का वो वाला जो प्लान था ना बॉक्स रखने वाला, कहीं ना कहीं हिट हो गया भाई। इन्होंने बॉक्स निकाल कर उसके पीछे चेक ही नहीं करा कि हमने टैंक छुपा रखा था। बट जो भी है, अभी अपने मचे हैं, हम लोग फुल सेफ है, फटाफट से चलते हैं लेस्टर के बेस पे। भाई अगर ये लोग आज ढूंढ लेते ना टैंक को अपने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पूरी मिलिट्री यहाँ आ जाती और हमें जेल ले जाते। वैसे मेरे पास भी गन्स वगैरह रेडी थी, मैं भी इन्हें लपेटने के लिए फुल रेडी था। बट हाँ, जो भी है, मैटर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, हम लोग सेफ है, ट्रक लेकर निकल गए। फटाफट भगा कर चलते हैं अभी। और एक सेकेंड, दो पुलिस वालों की गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही है भाई, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। गाइस अभी ना फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ियाँ दोनों मेरे पीछे पीछे आ रही है ना, ये शायद से पुलिस ने मेरा पीछा करने के लिए भेजे हैं, क्योंकि मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूँ पर फिर भी ये लोग मेरे को ओवरटेक नहीं कर रहे हैं। ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी बहुत धीरे चला रहा हूँ बट ये दोनों कार्स मेरे एकदम पीछे पीछे ही आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, सामने एक बहुत मस्त स्टोर आने वाला है, वहाँ पर चलकर अपना ट्रक रोकते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे ओवरटेक कर दिया या फिर ये यहाँ से चले गए तो ठीक है, मामला नॉर्मल है। लेकिन अगर ये लोग आगे नहीं गए तो कन्फर्म हो जाएगा ये लोग मेरा पीछा करने के लिए आए हैं कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मतलब ये इनकी चालाकी हो सकती है, पता चल गया कि टैंक मेरे पास है पर ये दिखाना नहीं चाह रहे, ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना चाह रहे हैं। बाकी मैंने अपना ट्रक यहाँ पर पार्क कर दिया। बॉडीगार्ड को मैंने गाड़ी में बैठने के लिए बोले, गन अंदर रख लेता हूँ यार। मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि पुलिस वाले ने अपनी एक गाड़ी वहाँ पर रोक तो दी है, मैं चुपचाप अंदर चलता हूँ स्टोर के। इनको दिखाता नहीं हूँ कि मैं इनको थोड़ा बहुत स्पाई कर रहा हूँ अपना नॉर्मल। अबे इतना बड़ा स्टोर है यहाँ पर भाई, कोई शॉपकीपर ही नहीं है भाई, क्या सीन है। वेट छोड़ो यार, मुझे वैसे भी यहाँ से कोई सामान लेना नहीं है, अभी बस मुझे ये कन्फर्म करना है कि पुलिस वाले मेरा ही पीछा। वैसे देखो यार, उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकी तो है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर डाउट हो रहा है। एक सेकेंड, मैं स्टोर के ना एक बार पीछे चलता हूँ, वहाँ पे चलकर चेक करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मैटर क्या है। मैं अच्छे से देखना चाह रहा हूँ भाई, पुलिस क्या सच में ही अपने स्ट्रक के पीछे लगी हुई है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं इस टाइम पर लेस्टर के सीक्रेट बेस में जा रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे पीछे पीछे आ गए तो इन्हें भी उस सीक्रेट बेस के बारे में पता चल जाएगा, प्लस इन्हें टैंक भी मिल जाएगा। एक बार ना थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कि आखिरकार सीन क्या है। वहाँ बैक साइड पे एक पुलिस ऑफिसर तो खड़ी है, बड़े कर क्या रही है, मुझे बिनोक्युलर से चेक करना होगा। वेट, इसने अपना फ़ोन निकाल रखा है और ये किसी को तो फ़ोन मिला रहे है भाई। वेट, यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी थी, ये रही, इस गाड़ी में पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ, और अभी मुझे फील हो रहा है कि ये लोग बस मेरा ही वेट कर रहे हैं। मुझे शायद से अभी इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, बट मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, मेरे पास गन्स वगैरह है, पर मैं चाह रहा हूँ मामला मैं साइलेंटली सोल्व कर दूँ, क्योंकि अगर गोली वगैरह चलाई तो ये लोग और फोर्स बुला सकते हैं भाई। या तो इनको भी 100% श्योर नहीं है कि हमारे पास टैंक है, या पता नहीं क्या है भाई, बट मामला ख़राब है। मुझे इनसे कुछ भी करके पीछा छुड़ाना है और मेरे को लेस्टर के सीक्रेट बेस पे जाना है और मेरे को छुपा के रखना है उनसे सीक्रेट बेस से, क्योंकि अगर इन लोग को पता चल गया ये लोग भी वहाँ तक पहुँच गए तो फिर वो सीक्रेट बेस सीक्रेट नहीं रह जाएगा। और अगर देखो अभी मैंने ट्रक निकाला, ये लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ निकाली भाई। ठीक है, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, इनको मैं बताता हूँ, जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना उस जगह पर एक जंगल है, अगर उतने टाइम में इन लोगों ने और फोर्स नहीं बुलाई तो ये दो पुलिस ऑफिसर को तो मैं अकेला निपटा ही दूंगा, मामला यहीं पर मैं अकेले सॉल्व कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स गो गाइस, तो भी फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर पहुंचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बट एक सेकेंड, ये पुलिस वालों की हरकतें देख रहे हो तुम, अलग अलग रास्तों से गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे को शक ना हो, बट इनको पता नहीं है कि मैं भी इन्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ और अभी इनका टाइम आ चुका है मरने का, क्योंकि अभी तक तो थे मेन हाईवे पे, बट अब हम लोग जाने वाले हैं इन जंगल में, क्योंकि लेस्टर के सीक्रेट बेस का रास्ता यही है और यही है वो सुनसान प्लेस जहाँ पर मैं इनको लपेटने वाला हूँ बुरी तरह। ये फैक्ट्री पड़ती है, यहाँ पर थोड़े बहुत लोग होते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, उसके बाद इनको लपेटते हैं। इनको मार के ना फेंक देना ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पर कोई आया भी था। बट एक सेकेंड, मैं थोड़ा रास्ता भूल गया शायद से, यही रास्ता, और ये लोग गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं भाई, पीछे रुक जाओ, ट्रक ले जाकर आगे रुकता हूँ,
और जैसे इनकी गाड़ियां आएंगे ना वही मार के इन्हें नीचे फेंक दूंगा। इतना बड़ा ट्रक लेस्टर ने भेज दिया भी, बस पेड़ों से बचा के जैसे तैसे मुझे पहुंचाना है सीक्रेट बेस पे। बाकी हाँ पुलिस वाले शायद से अभी, ओ वेट जो सारे मैं तुम्हारी भैंस के, रुक रुक इसको तो उतर के पीटूंगा मैं भाई। अभी ये पूरा हमें पकड़ने के मूड में आ गए, लेकिन आ जा निकल यहाँ से। आने से पहले इसको मैंने उड़ा दिया। और इधर भी कोई ये तो चलो साइकिल चलाता हो जा रहा था भाई। वेट एक को तो हमने उड़ा दिया, बट अभी एक पुलिस ऑफिसर और बचा सामने से आ रहा है, उसके पास शॉटगन है। वेट वेट बहुत तेज भागता हुआ आ रहा है ना, बॉडी गार्ड भी उतर चुका है। मारो कहाँ पर है, वेट वेट मार 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 भैंस की निकल। वो तो तगड़ा भाई, तगड़ी ट्रेनिंग लिए। एक सेकेंड आराम से, मैं तो इसे थोड़ा ढीला समझ रहा था पर ये तगड़ा है। तेरी भैंस की निकल यहाँ से। इसने इसका फुल ध्यान भटकाया और तुम्हारे भाई ने उसके मत्थे पे शॉट बजा दिया। और जो भी है ये थोड़ा तगड़ा पुलिस ऑफिसर था। चलो अभी फिलहाल इससे पीछा छूट गया। बस 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 भाई और नहीं मारना। क्या इन्होंने यार गाड़ी लाकर रोकी थी, इनका सीधा हमें मारने का प्लान था चुपचाप से। इन दोनों को लग रहा था ये आएंगे हमें लपेट लेंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन इनकी गलत फैमिली हमने दूर कर दी। बाकी ठीक है अभी फटाफट से मैं ट्रक लेकर चलता हूँ, क्योंकि अभी अपना जो बॉडी गार्ड है वो इन सब की गाड़ी और इन सब की बॉडीज सिखाने लगाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे ओपन में नहीं छोड़ सकते भाई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया। मैं चलता हूँ अभी सीक्रेट बेस में। हटा ले भाई साइकिल, पिटने के मूड में है क्या तू? ठीक है भाई ये क्या बंदा थोड़ा पागल है क्या, इसको इतनी जगह तेरी भैंस की पिटेगा, इसको इतनी जगह है साइकिल यहीं पर चलानी है। रुक जाओ मैं तो AK-47 निकाली थी इसके लिए अलग से, ये तो खुद ही टायर के नीचे आ गया भाई। मैंने नहीं मारा ऐसे, मैं जा रहा हूँ मैं ट्रक में, पता नहीं क्या है भाई आज दिन खराब है लग रहा है लोगों का। छोड़ो यार अभी फटाफट से हम लोग ट्रक लेकर चलते हैं। एक तो मैं ब्रेक मार देता हूँ ना बीच में तो और प्रेशर जाता है भाई इस ट्रक पर रेस देने का। लेट्स गो, यहाँ से ज़्यादा अब दूर नहीं है सीक्रेट बेस। सामने वाली जो टनल है उसी टनल के अंदर हमें जाना है। बाय द वे ये हमारा सीक्रेट बेस नहीं है, ये बिग माफिया का सीक्रेट बेस था जिस पर अब हमारा कब्जा है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा ही सीक्रेट बेस है। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं अंदर। यहाँ पर कुछ और साइकिलर्स पिकनिक मनाने आए हुए हैं। हट जाओ भाई साइड, थोड़ा जाने दो। एक तो जितना बड़ा ट्रक है उससे छोटी ये टनल है भाई। लेस्टर ने बिल्कुल नाप के भेजा है ट्रक, किस टनल में आ जाए बस, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। ओके गाइस अभी फिलहाल मैंने टैंक को मस्त इस ट्रक के ट्रेलर से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और जल्दी से इसे लेकर चलते हैं इस टनल के मेन सीक्रेट बेस के अंदर। लेट्स गो, यहाँ से जाना है। तो लेस्टर ने इस टनल का सीक्रेट दरवाजा ओपन कर दिया इस वॉल को हटा के, और अभी मैं अपने टैंक को लेकर इस टनल के अंदर जा सकता हूँ। और भाई ये टैंक इतना ज़्यादा छोटा है कि गेट अगर थोड़ा सा और छोटा होता ना तो अंदर भी नहीं जा पाता, वॉल तोड़नी पड़ जाती। बट ठीक है फाइनल टैंक अंदर आ गया। और ये टनल बहुत ज़्यादा लंबी है। उसके बाद जो एरिया आएगा ना वो है लेस्टर का न्यू सीक्रेट बेस और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया लॉस एंड्रोस में। मतलब अगर हम लोग इधर आकर बैठ गए ना तो फिर हमें डगन बोस भी चाह कर भी नहीं मार पाएगा, मतलब वो अंदर आ ही नहीं सकता। ऑल राइट गाइस तो फाइनली हम लोग अपना टैंक लेकर पहुंच चुके हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस में। भाई भाई अभी विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब हम मारने वाले हैं डगन को। बस प्लान पता करना है कि आखिर प्लान क्या है। खैर वो सारी प्लानिंग छोड़ो, फिलहाल अभी बात करते हैं अपनी प्लानिंग की कि आखिर हमें डगन बोस को कैसे मारना है, क्योंकि जो वेपन हमें चाहिए था ये टैंक वो हमें मिल चुका है। अब देखते हैं लेस्टर क्या बताता है डगन बॉस को मारने के लिए। बड़ा जो भी है मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा दुश्मन अब हमारे हाथों तो बहुत गंदी तरह मरने वाला है। पहले भी हमने उसे मारने का ट्राई करा था पर पता नहीं कैसे वो बच निकला, लेकिन इस बारी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। बाय द वे गाइस सीक्रेट बेस में वापस आके मुझे थोड़े वो पुराने दिन याद आ गए कि कैसे बिग माफिया हमें इस बंकर में पकड़ कर लाया था मारने के लिए। उल्टा उसने हमें इसमें बंद कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे बचकर और फिर हमने बाद में उसे मार डाला था। लेकिन आज बात दूसरी है, आज अगले बॉस की जो कि डगन बॉस उसको मारने की प्लानिंग की। बात करते हैं लेस्टर से, देखते हैं क्या सीन है। तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और डगन बॉस को मारने के लिए लेस्टर ने हमें जो प्लान बताया भाई ये इतना ज़्यादा रिस्की और डेंजरस प्लान है कि एक बार को भाई ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के ही भाग जाएं। मतलब लेस्टर का कहना है कि डगन बॉस को इस टाइम पर मारना एकदम इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसों की वजह से उसके पास बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी आर्मी है। और ऐसा टैंक फोड़ने के लिए, मतलब जो हम टैंक के चुरा कर लाए ना मिलिट्री का मोस्ट पावरफुल टैंक, इस टाइप का टैंक फोड़ने के लिए डगन बोस के पास 5-10 टैंक पड़े हुए हैं। तो लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें डगन को ख़त्म करना है तो पहले हमें उसके अंडर काम करना पड़ेगा
उसके अंडर काम करके हम लोग उसको अंदर ही अंदर लूटेंगे, उसका सारा पैसा वैसा चुराएंगे, उसके सारे टैंक फोड़ डालेंगे। मतलब हमें चुपचाप से अंदर ही अंदर डगन बोस को खत्म कर देना है, उसकी पूरी आर्मी को, और फिर उसके बाद डगन बॉस के ऊपर अटैक करना है। तो ठीक है, फिर अभी ज्यादा सिरदर्दी नहीं करते हैं, जैसा जैसा लेस्टर कह रहा है वैसे वैसे करते हैं, बिकॉज लेस्टर इन सब मामलों में बहुत ही तगड़ा मास्टरमाइंड है। कुछ ना कुछ सोच समझ के उसने प्लान बनाया होगा डगन बॉस को मारने के लिए। बाकी हाँ, ये बात तो है कि भाई उसकी आर्मी बहुत ज्यादा तगड़ी है। बाकी वेट, अपना बॉडी गार्ड यहाँ पर मस्त बाइक लेकर आ चुका है, पर ये किसकी बाइक है भाई? हेलो, तो ज्यादा महंगी बाइक लेकर आया भाई। ठीक है, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस सिटी में, और आज हम लोग जाने वाले हैं डगन बॉस के घर पे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डगन बॉस हमें अपने अंडर रखेगा भी या फिर नहीं, और दूसरा डर ये भी है कि कहीं वो पहचान ना जाए। अगर पहचान लिया ना उसने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फेस का पूरा हिसाब चेंज करना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, देखी जाएगी। अभी फटाफट से बाइक भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं लॉस सैंटोस अपना हुलिया बदलने। लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर टनल से बाहर निकल चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये बाइक कितनी तगड़ी है। वैसे मुझे पता नहीं कि इस बाइक की स्पीड कितनी ज्यादा है, बट कावासाकी का बाइक है तो फिर तगड़ा स्पीड तो हो गई। लेट्स गो, भगाते हैं इस बाइक को और आज जल्दी से जल्दी पहुंचते लॉस सैंटोस। एक से और भैंस की, ये इतने सारे जानवर कहाँ से आ रहे हैं भाई? हेलो, ठीक है, अभी ज्यादा फालतू बातें नहीं, फटाफट से बाइक को भगाते हुए पहुंचते हैं लॉस सैंटोस और हाईवे पे चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड। ओके, तो अभी मैं अपनी बाइक लेकर मस्त हाईवे पे भी आ चुका हूँ, और बारी है इसको थोड़ा सा एक्सट्रीमली फास्ट चलाने की, प्लस थोड़ा सा स्टंट वगैरह भी ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी लॉस सैंटोस बहुत दूर है। आराम से पहुंचते पहुंचते थोड़ी बहुत तो मौज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आज वैसे भी मौत के कुएं में जाने वाले हैं भाई डगन बॉस के घर पे। अगर उसने बाय चांस पहचान लिया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत वेपन्स मैं लेकर जाऊंगा और भागने का भी इंतजाम रखेंगे। बट ठीक है, जरूरी नहीं है, थोड़ा भेस वगैरह बदल कर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है पहचान जाए। ठीक है, अरे बाइक भाई मज़ा आ रहा है चलाने में। अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और अब मारते हैं इस बाइक पे एक व्हीली। ठीक है भाई, चलो भाई, तो बहुत बातें शाते हो गई, बारी एक मस्त व्हीली मारने की, फुल एकदम लंबी व्हीली करते हैं भाई। चलो लेट्स गो। ये बाइक तो भाई बनी व्हीली के लिए, पूरी खींच देंगे भाई इसको एक टायर पे। देख रहे हो ये क्या जा रही है भाई? अब बस ठुक ना जाए, क्योंकि राइट लेफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको थोड़ा थोड़ा डाउन करा देते, क्योंकि सही सलामत पहुंचना है। एक स्टॉपी भी मार देता भाई लगे यार। यस, स्टंट बाइक के भाई अपने एक अलग मजे। दोबारा से एक और व्हीली भाई, लेट्स गो। ओहो भाई साहब, ये तो फुल नॉन स्टॉप व्हीली जा रही है, रुकी नहीं रही है। एक सेकेंड स्टॉप भी मार देते भाई इसी बात पे, एक बढ़िया वाली। ये बात, पूरे पीछे वाले टायर। ओ यार तेरी भैंस की, पिटने के मूड में है तू? बट छोड़ो छोड़ो यार, गलती हमारी, ऐसे बीच हाईवे पे ऐसा हरकतें करेंगे तो गलती से तो बंदे ठोक ही देंगे, और अच्छा है गिरे नहीं। अभी चुपचाप से पहुंचते हैं लॉस सैंटोस। तो भाई देखो, अभी ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना हुलिया बदलना। तो अभी ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहीं पर एक बहुत बढ़िया शॉप है सबअर्बन का, यहाँ पर बहुत टाइप के मस्त मस्त कपड़े हैं। तो फटाफट ना पहले यहाँ से कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं, फिर चलेंगे उसके बाद सैलून में, क्योंकि बाल वगैरह भी कटवाने पड़ेंगे यार। ये वाला हेयर स्टाइल तो माइकल का ना हर कोई जानता है, तो कुछ हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ना थोड़ा बहुत गंजा ही हो जाऊँगा, वो मस्त रहेगा। फिलहाल अभी मुझे कुछ ऐसे कपड़े वगैरह देखने चाहिए, मतलब ये जैकेट्स हैं इधर, काफ़ी सारी शर्ट्स हैं, बट कुछ एकदम ही डिफरेंट ट्राई करते हैं, क्योंकि माइकल हमेशा ये पहनता है। कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे कि मैं बिल्कुल माइकल जैसा ना ही लगूँ तो बेटर है। ओके, तो काफ़ी डिफरेंट से भी मैंने कपड़े पहन लिए हैं। ऊपर ये ब्लैक सैंडो है और नीचे ये थोड़ी लाइट शेड में कैफरी, और इसकी पेमेंट वगैरह कर दिया। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अभी बाल कटवाने। बड़ा यार जो भी है, अभी थोड़ी बहुत ना वो गैंगस्टर वाली बातचीत होती है ना, वो आना शुरू हो गई है, लेकिन हाँ प्रॉपर लुक मुझे चेंज करनी होगी। फेस मैंने हाइड अभी कर लिया मस्त। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे और फटाफट से करवाते हैं अपना कुछ टैटू वैटू, सब कुछ करवाने वाला हूँ भाई आज मैं अपनी पूरी बॉडी पे। लेट्स गो गाइस। तो गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ मस्त अपनी फेवरेट बार्बर शॉप पे, जो कि अपना हेयर स्टाइल आई थिंक कुछ बढ़िया सा बना देगा, क्योंकि हर बार जब भी हुलिया चेंज करना होता है तो तुम्हारा भाई यहीं पर आता है। लेट्स गो, अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और कुछ बढ़िया से लुक करवाते हैं अपनी, मतलब थोड़ी डिफरेंट। तो फटाफट से चलते हैं अपनी मस्त बार्बर शॉप में और इस बार ही कुछ ऐसी कटिंग करवाते हैं कि अपना फेस फेस यार पहचान में ना आए। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बियर्ड को फुल बढ़वा लेते हैं और ऊपर का जो हेयर स्टाइल है ना वो फुल ऐसे गंजा वाला रखना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, अभी बड़े बड़े बाल हैं तो बड़े बाल कर देते हैं नीचे और ऊपर कुछ ऐसा गंजा, नहीं नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। ओके, तो अभी मैंने ऊपर के बाल थोड़े से छोटे करवा लिए हैं, मतलब पूरे छोटे भी करवाएंगे अगर, पहले इतने करवा के देखते हैं, अगर ठीक लगेंगे तो सही है, वरना और छोटे करवाने चाहिए शायद से, अभी भी माइकल पहचान में आ रहा है। बट सोच रहा हूँ पहले मेरी बियर्ड बढ़वा लेता हूँ, ठीक है, इतनी बियर्ड रखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है अपनी लुक। ओके, तो अभी बियर्ड भी काफ़ी
कट चुकी है और अभी भी लुक यार पहचान में आ रही है, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैंने अपने हेयर्स और भी छोटे करवा लिए हैं, मतलब गंजा नहीं हुआ हूं, पठा फुल अभी गैंगस्टर वाली लुक आ रही है। और माइकल तो नहीं पहचान में आ रहा, अगर मैं साथ में ये वाला चश्मा भी लगा लूंगा तो देख रहे हो अभी फुल कपड़े चेंज हो चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल चुकी है, चलने फिरने का तरीका। बट हाँ, अब फटाफट से हम लोग निकलते हैं, थोड़े बहुत और टैटू वगैरह बनवा लेते हैं तो वो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से चलकर बैठते हैं बाइक पे और अब मैं जाने वाला हूँ मस्त टैटू शॉप पे, क्योंकि हेयर स्टाइल हो गया, कपड़े हो गए हैं, धीरे धीरे करके लुक पूरी चेंज होते जा रही है। बट अब बस पूरी बॉडी में टैटू बन जाए ना भाई, फिर तो डगन बॉस हमें बिल्कुल नहीं पहचानने वाला। तो जल्दी से पहुंचते हैं और अब करवा लेते हैं पूरी लुक चेंज। तो चलो भाई अभी मस्त टैटू शॉप पे भी पहुंच चुके हैं। अरे आराम से भाई, ये बहुत ही खतरनाक चला था भाई ये बाइक, बट ठीक है चलते हैं अंदर। और अभी मेरे को एकदम बढ़िया सा टैटू करवाना है कि पूरे हाथ पैर और राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों एकदम मस्त पूरे कवर हो जाए। लेट्स गो। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मस्त टैटू शॉप में, देखते हैं कि किस किस टाइप के मुझे टैटू बनवाने चाहिए। वैसे हैंड पे पूरे भर जाएंगे ना टैटू, जैसे रेसलर्स के होते हैं ना, कुछ उस टाइप का ही टैटू बनवाते हैं। लेट्स गो, अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो मुझे पहले लेफ्ट आर्म पे चाहिए, कुछ इस टाइप का चलेगा, ज्यादा सोचना नहीं है, ये ठीक दिख रहा है यार, ये करवा लेते हैं। और लेफ्ट साइड पे राइट पे भी कुछ ऐसा सही करवा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी तुम्हारा भाई फुल रेडी है डगन बॉस के पास जाने के लिए, बढ़िया एकदम लुक हो चुका है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं उसके घर के लिए। वैसे भी उसका घर ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मतलब वो लॉस एंड्रोस में नहीं रहता, थोड़ा सा बाहर रहता है, बट हाँ यार मतलब मस्त जगह पे उसका घर, जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर पहुंचने वाला हूँ डगन बॉस के रेंज पे। बट मुझे ना अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि कहीं बाय चांस वो मैं पहचान न ले। वैसे देखो अभी दोनों हाथों पे मस्त टैटू है, पैर तक पे मैंने टैटू बनवा लिया है और एक बड़ी सी बियर्ड है, बाल एकदम पूरे गंजे हो गए हैं और आईज थोड़ी हाइड करने के लिए मैंने चश्मा लगा लिया है। तो जहां तक है 100% तो नहीं पहचान पाएगा, बट हाँ एक बार को हो सकता है डाउट हो जाए, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारे पास अपना बॉडी गार्ड है जिसको मैं लेकर अंदर नहीं जाने वाला, इसको यहीं पर बाहर उतार देते हैं क्योंकि मुझे डगन बॉस से मिलना है और मैं वेपन्स लेकर जाऊंगा तो उससे नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए इसे अपनी सेफ्टी के लिए बाहर रखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको अंदर बुला लेंगे। फिलहाल अभी मैं अकेले चलता हूं। तो चलो अभी ज्यादा टाइम पास नहीं, फटाफट से अपनी बाइक को एंटर कराते हैं डगन बॉस के घर में। और वेट अ सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी यहाँ पर, बट दो तीन गार्ड्स लगा रखे हैं जिन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं डायरेक्ट घर में आ गया, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। वेट भाई एक सेकेंड, गार्ड्स वगैरह तो ठीक है, ये क्या चल रहा है भाई, इन्होंने तो बीच में गुंडा बैठा रखा जो कि किसी बंदे को ला के पीट रहे हैं, उसने हथौड़ी ले रखी और वो बेसबॉल बैट। भाई एक सेकेंड, ये डगन बॉस ने ना भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स नहीं बदमाश ज्यादा रखे हुए हैं, बाकी मेरे को ये बंदा क्यों बुला रहा है। हेलो भाई क्या हो गया। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो चुकी है और ये हमसे पूछ रहा था कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो देखो भाई मैंने इसे डायरेक्ट साफ साफ बोल दिया है कि मुझे डगन बॉस के अंडर काम करना है, मैं उसके लिए कोई भी काम कर सकता हूँ, बंदे मार सकता हूँ, गाड़ियाँ चुरा सकता हूँ, सब कुछ, पर हमें उसके अंडर काम करना है। और अभी शायद से डगन बॉस से बात करने के लिए गया है। बाकी हाँ मुझे भाई गलत फहमी थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर छत पर देख रहे हो, इन्होंने एक बंदा स्नाइपर देकर छत पर चढ़ा रखा है 8x स्कोप लगा के, कि कल को कोई डगन को दूर से भी मारने का ट्राई करे तो ये उसे यहीं से उड़ा देगा। बाकी इधर भी सिक्योरिटी है, मेन गेट पे भी, लेफ्ट साइड में भी काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। पर हाँ अभी ना मैंने अपना थोड़ा चलने का तरीका बदल लिया ताकि यहाँ पर कोई भी मुझे बिल्कुल भी ना पहचाने, मतलब शक्ल से तो दूर की बात है, मेरे चलने के तरीके से भी ना पहचाने। फिलहाल ये बंदा ये बात करके आ भी गया, ये मुझे साथ चलने के लिए बोल रहा है। भाई ऐसा तो नहीं ना ले जाके कहीं और गुंडों से पिटवा दे, क्योंकि मामला डेंजरस हो सकता है। बट टेंशन नहीं लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि बाहर मेरा बॉडीगार्ड है, कुछ भी मैटर हुआ गोलियां चली तो वो अंदर आएगा अपनी हेल्प करने। बाकी वेट, इसने तो हमें डायरेक्ट डगन बॉस से ला के मिलवा दिया भाई। और एक सेकेंड, डगन बॉस ने भाई एक ब्लैक पैंथर पाला हुआ है जो कि भाई घूर के देख रहा है इधर ही। आई होप ये मुझे काटेगा तो नहीं, लोग कुछ खाने पीने में लगा हुआ है। बट हाँ अभी डायरेक्ट जाकर हम लोग डगन बॉस से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये किसी को भी अपने अंडर डायरेक्ट नहीं रखता, हमें पहले से कुछ ना कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि क्यों हम लोग इसके लिए काम कर सकते हैं। तो ये हमें दो तीन काम देगा अभी, वो हमें इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रेजी चीज़ ये है कि भाई इसने हमें बिल्कुल भी पहचाना ही नहीं, मतलब इसे पता ही नहीं चला माइकल है। वैसे हाँ यार ओवरऑल लुक बहुत बदल गई है। तो ये कह रहा है अभी तुम कुछ मत करो, घर में बैक साइड पे जाकर मेरा वेट करो, ये थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा है, फिर हमें बताएगा कि आखिरकार हमें क्या काम करना है। बाकी वो बंदा कहाँ चला गया,
उसके साथ ही हमें चलना है भाई। सुने भी भाई, क्या विंचेस्टर ले रखी है हाथ में, इतनी डेंजरस गन है भाई, वो उड़ा सकते हैं मतलब ऐसे लोग हैं कभी भी। बाकी एक सेकेंड, बैक साइड में ब्लू कलर की रोल्स रॉयस खड़ी हुई है और देखने में मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यार ये अपनी वाली कार है। मतलब हमारी एक गाड़ी जिमी ने बहुत पहले ले जाके बेच दी थी चुपचाप से, ये रोल्स रॉयस एग्जैक्ट वही सेम कलर की है। बट हाँ, सेम गाड़ी है नहीं वो मुझे नहीं पता, वरना जो भी, अभी मेरे को इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। अपना काम है डग्गन बॉस के अंडर काम करना, तो उसके लिए मैं उसके घर तक आ चुका हूँ, डग्गन बॉस से बात हो गई है, सारी प्लानिंग सारा काम एकदम सॉर्टेड चल रहा है, बस सब कुछ मुझे एकदम चुपचाप करना है। तो उसने बैक साइड पे वेट करने के लिए बोला था, मैं यहाँ पर अपना मस्त खड़े हो जाता हूँ चुपचाप से, डग्गन बॉस के अभी आने का वेट करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार वो हमें क्या प्लानिंग बताता है। तो यार अभी ना मुझे यहाँ पर खड़े खड़े काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और डग्गन बॉस तो फिलहाल अभी तक मिलने नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार अपनी ये पुरानी फेवरेट कार ही जाकर मैं देख लूँ। मुझे भी 100% कन्फर्म हो चुका है कि यार ये अपनी वाली गाड़ी है, मतलब इसका सेम नंबर प्लेट है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है। और जो भी यार ये गाड़ी कितनी बढ़िया थी, जिम्मी ने चुपचाप से ले जाकर बेच दी थी, वरना मैं इस गाड़ी को भाई कभी नहीं खोने देता। बट वेट एक सेकेंड, डग्गन का लेफ्ट हैंड हमसे वापस मिलने के लिए आ चुका है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो अभी मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि डग्गन बॉस ने हमें मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया, वहीं पर हमें वो प्रॉपर काम बताने वाले हैं कि आखिरकार हमें उसके लिए क्या करना है। बट यार जो भी है, मैं जिस तरीके से अभी चल रहा हूँ ना फुल एकदम प्रॉपर गैंगस्टर की तरह, इन लोग को मेरे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है मैं सच में कोई बहुत डेंजरस ही बंदा और इनके लिए कुछ ना कुछ तगड़ा कर सकता हूँ। वैसे ठीक है यार, एक्टिंग के चक्कर में मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा मेंटेन करके रखनी है इनके आगे बातचीत। पहले हम लोग डग्गन बॉस का ट्रस्ट जीतेंगे, उसके बाद उसके राइट हैंड बनेंगे, फिर उसी को मार डालेंगे, यही अपना प्लान है। अदरवाइज हम लोग उसे डायरेक्ट फाइट लेकर नहीं मार सकते, क्योंकि यार वो सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बन चुका है। तो लेट्स गो, अभी हम लोग जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के सबसे महंगे हाउस में, क्योंकि मुझे इतना पता है डग्गन बॉस को सारी लग्जरी आइटम का शौक है। इसके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी भाई मिलियन डॉलर आइटम है, चाहे वो कोई भी सामान हो चाहे कुछ भी हो। एक तो यार इसका जो घर है ना वो भूल भुलैया से कम नहीं है, जितना भाई ऊपर बना हुआ उतना ही इसने अंडरग्राउंड बनवा रखा है। और ये देख रहे हो दरवाजे दरवाजे कमरे ही कमरे, अबे कहाँ जा रहा है भाई, मैं खो जाऊंगा एक सेकंड। भाई साहब ये कितना बड़ा घर है यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दरवाजे ही दरवाजे आए जा रहे हैं और ये सब कुछ एक बेसमेंट में बना हुआ है। बट आई थिंक अभी हम लोग पहुंच गए ऑफिस में और मुझे अकेले ही अंदर जाना है, लेट्स गो। चलते हैं और देखते हैं आखिरकार डग्गन बॉस यहाँ पर बैठा हुआ है, पीछे उसका राइट हैंड और उसका एक गार्ड इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, बैठकर बात करते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या प्लान है डग्गन के पास। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल डग्गन बॉस से बात हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है कि भाई ये बंदा कार्स का बहुत ही ज्यादा शौकीन है, तो लॉस सैंटोस में ना एक बहुत रिच बंदा है, उसके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सुप्रा है जो कि ये खरीदना चाहता है, लेकिन वो बंदा बेचना नहीं चाहता और ये उससे चुरा भी नहीं सकता क्योंकि वो इसका दोस्त है और वो एक बहुत डेंजरस गैंगस्टर भी है। तो खाली पीली की दुश्मनी ना हो इसीलिए इसने हमें ये काम दिया है कि हम चुपचाप से उसके घर से वो गाड़ी चुरा कर ले आएँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए, और फिर उसके बाद ये हमें अपने अंडर रख लेगा। मतलब यार इसने तो अभी हमें एक ऐसा काम दे दिया जिस काम में हम लोग सुपर एक्सपर्ट है भाई, हमने कितनी गाड़ियाँ एकदम ऐसे डेंजर डेंजर जगह से चुराई है। तो आज इसके लिए वाला काम करते हैं, मस्त उस गाड़ी को चुरा कर लाते हैं और मैं भी भाई मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसको ये चुराने के पीछे एकदम पागल हो रखा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो या फिर कुछ तो उसमें खास होगा जो कि वो बेचना नहीं चाहता और ये इसको चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से हम लोग चलते हैं इसके लिए वो गाड़ी चोरी करने के लिए। और सबसे क्रेजी चीज़, इसने भाई उस काम के लिए हमें गन्स भी प्रोवाइड करवाई है और साथ में अपनी एक बहुत तगड़ी गाड़ी भी दी है जो कि बैक साइड में खड़ी हुई है, GMC। भाई इतनी तगड़ी और इतनी बड़ी कार है ना, सॉरी गलती से आ गया इस कमरे भाई मेरे को भी भाई एग्जिट पर जाना है, ये है एग्जिट गेट, जल्दी से चलकर बैठते हैं भाई उस गाड़ी में। और हमारे साथ तो हमारा बॉडीगार्ड भी है, तो ये काम तुम्हारा भाई बहुत ही इजीली करने वाला है, हमें उस बंदे का एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल गया है। जल्दी से चलकर बैठते हैं इस बड़ी वाली कार में, ये है भाई GMC की यूकॉन। मतलब इसके पास देख रहे हो कलेक्शन, दो डिफेंडर, दो जी वैगन और एक ये बड़ी GMC। लेट्स गो, गाड़ी लेकर निकलते हैं, अपनी बाइक में यहीं पर खड़े रहने देता हूँ, वापस आकर ले जाएंगे। अभी तो ये अपने घर जैसा ही हो गया बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा अभी अपना ही घर समझ लो इसको, अपना गैंग बेस समझ लो फिलहाल। ठीक है, गाड़ी लेकर जल्दी से हम लोग चलते हैं। और वेट, मेरे को भी कॉल करके बुलाना पड़ेगा अपने बॉडीगार्ड को, पता नहीं कहाँ पर है। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैंने अपने बॉडीगार्ड को यहाँ बाहर आने के लिए बोल दिया है, वो यहीं कहीं पर छुप रखा होगा यार मेरी सेफ्टी के लिए। एक सेकेंड, वो इसी घास में छुपा हुआ था। नाइस,
अभी फटाफट से इसे गाड़ी में बैठाते हैं और जल्दी से चलते हैं उस लोकेशन पे, उस मेंशन पे जहाँ से हमें वो विंटेज कार चुरा कर लानी है। लेट्स गो भाई। मैं भाई मज़ा आ रहा है, इतनी बड़ी कार है यार, ये देख रहे हो, ये कार कम भाई बस ज़्यादा लग रही है। मतलब किसी अगर नॉर्मल गाड़ी से इसका साइज कंपेयर करूँगा ना, मतलब इसका डबल जाने वाला भाई। ये देखो, अगर मैं इसके साइड में अपनी गाड़ी लगाऊँ, वेट भाई, इसके अकॉर्डिंग तो मेरी गाड़ी भाई मिनी बस से कम नहीं लग रही है। ठीक है ठीक है, अभी बातें कम करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं उस मेंशन पे। लेट्स गो गाइस। सो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं उस गैंगस्टर के घर के पास, जहां से आज मुझे सुप्रा चुरानी है। वैसे यार देखो, थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, क्योंकि डगन बॉस ने जैसा बताया था भाई, वो गैंगस्टर है, तो हो सकता है उसके पास अपने तगड़े बॉडीगार्ड्स, गुंडे वगैरह उसने घर में छोड़ रखे हों, लेकिन अपने पास भी अपने बॉडीगार्ड है, तो ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल यही है वो घर जहाँ से आज हमें सुपरा चुरानी है। मेरे को तो यार बड़ा खुला खुला घर लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी है। बट एक सेकेंड, गेट पे यहाँ पे दो बॉडीगार्ड लगा रखे हैं, तो मेन गेट से मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। मुझे कुछ तो करना होगा गाड़ी को। एक काम करता हूँ, किसी दूसरे या फिर बैक साइड वाले रास्ते से एंटर कराते हैं, जहाँ से मतलब कुछ पता ही ना चले। मेरे पास एक आइडिया है, ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हो सकता है जो माउंटेन की दूसरी वाली साइड है, वहाँ से भी इस घर में घुसने की कोई ना कोई एंट्री हो, क्योंकि इसकी वॉल मुझे यहाँ भी दिख रही है। अब बस अपनी गाड़ी माउंटेन पे चढ़ जाए तो मज़ा आ जाएगा। वैसे भाई जीएमसी है, बड़ी गाड़ी है लेकिन पावर भी बहुत है भाई। लेट्स गो, इजीली जा रही है भाई पहाड़ पे। ओ भाई, ये तो नॉर्मल रास्ते से भी ज़्यादा तेज स्पीड में आई माउंटेन पे। ठीक है भाई, हम लोग पहुँच गए हैं घर की बैक साइड पे, मतलब दिख रही है यहाँ से बैक साइड। और इधर देखो, इधर डायरेक्ट रास्ता है, कोई दीवार है ही नहीं। तो जहाँ तक अपना प्लान सब कुछ मस्त है, लेकिन जैसा कि लेस्टर करता है, पहले हमें पूरी चेकिंग करनी चाहिए। एक बॉडीगार्ड यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक बॉडीगार्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो पीछे घूम रहे हैं भाई, एक अलग ही गुंडे हैं, बॉडीगार्ड नहीं है, एक यहाँ पर है। वेट एक सेकेंड, मैं समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से किसको पहले मारना शुरू करूँ। मेरे को ऐसा देखना है कि जिसको मारूँ उसे पता ना चले। जैसे इसको मारूंगा, इसको मार देता हूँ चुपचाप से, थोड़ा साइड में है, उसके पीछे इसको मार देता हूँ, ये भी है, इसको भी दे दिया। अपनी गन में मस्त सप्रेसर लगा हुआ, तो लगातार मैंने एक एक करके सबको उड़ा दिया है। एक बंदा लास्ट पीछे था, उसको थोड़ा सा आगे चल के उड़ाते हैं भाई। अभी तो फिलहाल 5-6 बंदे मार दिए एकदम साइलेंटली, किसी को कुछ नहीं पता चला। गन क्योंकि बिल्कुल साउंड नहीं कर रही है। यहाँ पर एक लास्ट बंदा है, आ जा भाई आ जा, तेरे भी ये निकल यहाँ से। चलो भाई डन। ठीक है, तो अभी यहाँ का रास्ता पूरा क्लियर कर दिया है, जितने बॉडी गार्ड से मैंने सबको मार डाला है। बट अभी मुझे ढूंढना होगा कि आखिरकार इस घर का गैरेज कहाँ पर है, क्योंकि हमें सुपरा चुरानी है, तो हो सकता है वो उसने गैरेज में खड़ी कर रहा है। क्योंकि बट एक सेकेंड, वहाँ पर सामने 4-5 गाड़ियाँ तो खड़ी है, और वो ग्रीन वाली कार ही सुपरा भाई, हमें यही गाड़ी चुरा कर यहाँ से निकलना है, और वो फुल ओपन में खड़ी हुई है भाई। मामला क्लियर है, बट यार यहाँ पर थोड़े बहुत बंदे और हैं जिसको मुझे चुपचाप से मारना पड़ेगा। वेट, इसको मैं एक काम करता हूँ, पीछे से जाके ना फटाफट से मार के आता हूँ, पता नहीं चलना चाहिए भाई किसी को। बस इसे एकदम आराम से यूँ निकल, तेरी भैंस की, इसको पूरा लपेट दे, इधर इधर निकल, और पड़ेगी भाई इसके, एक चक्कू तो देना ही पड़ेगा मत्थे पे। ले, ख़त्म भाई इसका मामला, डेंजर सीन है भाई। अभी सामने एक दो गार्ड्स और है, लेकिन यार मेरे को ना अभी बैक साइड से ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक गार्ड मुझे खड़ा हुआ और दिख रहा है, इसको भी इसी से मारेंगे भाई। सबको गन से मारना ज़रूरी नहीं है, स्नाइपर से साइलेंटली मार सकता हूँ, बट बाय चांस उसने स्पॉट कर लिया तो भाई फिर वो अपनी ऑटो गन चलाएगा ना, वो ज़्यादा दिक्कत दे देगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं इसके भी बैक साइड से, और फटाफट से इसके भी सर पे मार के इसका खेल निकल यहाँ से। चल, इसको भी मार दिया है, लेट्स गो। अभी अपना रास्ता पूरा क्लियर है, और सामने भी कुछ लोग खड़े हैं। वेट 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 वेट, मेरे को भाग के चलना चाहिए भाई वहाँ पर गाड़ी के पास। अभी बस मैं गाड़ी उठाकर ना यहाँ से भागने वाला हूँ, सब कुछ एकदम इजी सॉर्ट है भाई। लेट्स गो, 5-6 गाड़ियाँ हैं इधर, वो सारी की सारी महंगी कार्स है भाई। वेट एक सेकेंड, मुझे इस घर के बाहर एक ला फरारी खड़ी हुई दिख रही है। वेट, ये जो बंदा अंदर से निकल कर आया, मुझे यही गैंगस्टर लग रहा है भाई, इस घर का ऑनर हो सकता है यही हो। पीछे से एक बंदा और आया, और शायद से इसी की है ला फरारी भाई। सचमुच में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली रिच लोग हैं भाई, बट मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर जाएंगे तो शायद से अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि फिर घर की सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। बाकी ठीक है भाई, इसने फरारी तो निकाल लिया है, और क्या मस्त कार है यार। अगर आज ये लेकर ना जाता ना, तो मैं इस गाड़ी को भी साथ में चुरा लेता। पीछे पीछे रोल्स रॉयस क्लीन है। लेट्स गो भाई, अभी थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड और गाड़ियाँ वगैरह तो यहाँ से चली गई है, बट अपने को तो चुपचाप से सुपरा चुरानी है। थोड़े बहुत बॉडी गार्ड्स यहाँ पर है, सोच रहा हूँ इनको भी लपेट दूँ। एक सेकेंड रुक, निकल यहाँ से। एक को मार दिया, एक वेट, किसी ने ऊपर से गोलियाँ चलाई, यहाँ पर है क्या, इसने गोलियाँ चलाई, पता नहीं किसने चलाई, बट ठीक है। एक बंदे को और मैंने मारा, एक घेरा, 3 बंदे मैंने ओ डाउन कर दिया भाई। लेट्स गो,
मामला पूरा क्लियर है, फटाफट से चलकर बैठते हैं अपनी गाड़ी में और लेकर इसे निकलते हैं। भाई मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गाड़ियां चुरा लूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है भाई, हमें जो गाड़ी डगन ने चुराने के लिए बोली है मैं वो चुरा लेता हूँ। बट एक सेकेंड, हेलो, ये गाड़ी तो भाई लॉक हो रखी है, मतलब हाँ लॉक होएगी बट ठीक है, इसका लॉक तोड़ भी नहीं सकता यार मैं, मतलब बाकी गाड़ी के तोड़ दूंगा बट शायद ये गाड़ी भाई, इसके ग्लासेस भी बुलेट प्रूफ है, मतलब ज़्यादा लाते नहीं मारता हूँ भाई, गाड़ी का लॉक ख़राब हो जाएगा शायद से। इस गाड़ी की चाबी घर के अंदर होगी जिसे चुराने के लिए मुझे अभी घर में जाना पड़ सकता है। आधे से ज़्यादा गार्ड्स मैं मार चुका हूँ, अपना बॉडी गार्ड भी पीछे है, प्रॉब्लम आएगी तो उसे बुला लेंगे, बट ठीक है अभी चुपचाप से मुझे घर में चलना चाहिए और गाड़ी की चाबी ढूंढ के लाना होगा, तभी मैं इस गाड़ी को यहाँ से चुरा पाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी मैंने मस्त ये रिवॉल्वर MK2 निकाल लिया। भाई ये इतनी ज़्यादा डेंजरस पिस्टल है ना कि अगर इसकी एक बुलेट भी मैंने सामने वाले के हेड, पेट या पैर पे मार दी तो वो वहीं के वहीं ढेर होने वाला है। अभी जल्दी से चलते हैं अंदर, देखो अगर कोई हुआ तो लड़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरे को तो बस चाबी चाहिए और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और वेट, निकल तेरी भैंस की, एक बंदा यहाँ पर था, इसके मैंने मस्त शॉट बजा दिया। बट अभी अंदर थोड़ा शोर मच चुका है भाई घर में और मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर और बॉडी गार्ड्स वगैरह हैं। वेट एक सेकेंड, वहाँ पीछे मैंने एक को तो देखा, दे यहाँ से। अभी थोड़ी गोलीबारी वाला माहौल हो चुका है भाई, दो तीन बंदों को मैंने लपेट दिया। और पीछे से भी कोई आ रहा है क्या? गेट बंद करो भाई चुपचाप, यहाँ पर शायद कोई है। ओके अभी ना मुझे फटाफट से इस बंदे को पहले उड़ाना होगा ताकि अपना आधा रास्ता क्लियर हो जाए। भाई सही में पिस्टल ऐसी है ना कि बंदे को पड़ते हो उड़ के गिरता भाई पूरा पीछे जाके। बाकी मेरे को लग नहीं रहा है ये चाबी कहाँ ही होगी, इन ड्रॉर्स वगैरह में कौन रखेगा। ये कमरा खोल के देख, ओह वेट, पीछे वाली साइड पर एक बंदा है भाई, उसने मुझे अच्छे से देख लिया था और भाई गोली तो बचा दिया उसने मुझे एक आध। बट वेट, वहाँ किचन में एक बंदा बैठा है पर शायद से वो शेफ है और वो काफ़ी डर चुका है तो मुझे उससे की तो नहीं मिलने वाला। ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं। इस वाले कमरे में एक मेड है, ये भी डर चुकी है। और ये बेडरूम है, यहाँ पर की हो सकता है बट मुझे लग नहीं रहा यार इधर भी की है। यार क्या यार, इतना बड़ा घर है ना कि ढूंढते ढूंढते फुल बैंड बजने वाली है। इस बंदे को मैंने मार दिया था, रास्ता क्लियर है। ये मेन हॉल है, यहाँ पर भी की नहीं है, मेनली बंदे गेट के पास रखते हैं पर वो एरिया मैंने चेक कर लिया। वेट, उक्तरी भाई अंदर कोई तो है, उसने गोली मार के दरवाज़ा खोला है। कौन है भाई? एक सेकंड रुक जा, दिख गया मेरे को, अभी इसको दो सेकंड में लपेटना। 3, 2, 1, निकल यहाँ से, और भी हो सकते हैं अंदर, एक को तो मैंने मार दिया बट ठीक है मामला क्लियर है, यहाँ पर एक ही बंदा था। अच्छा इसकी गन अपने आप चली गई है, भाई मर गया उसके बाद भी आराम से लेटे रहे यहाँ पे। तो ये है मेन ऑफिस और मुझे ऐसा लग रहा है कि की वगैरह यहीं किसी ड्रॉअर में होगी या टेबल लैपटॉप पे। ओ वेट, यहाँ पर है सारी की सारी कीज। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी कार्स की कीज हैं बट तुम्हारे भाई ने ढूंढ के सुप्रा की चाबी उठा ली है। आई होप इससे गाड़ी अनलॉक हो जानी चाहिए, वरना तो भाई मैं अभी क्रेन लाऊंगा और लोड करा के ले जाऊंगा गाड़ी। लेट्स गो, जल्दी से गेट से बाहर निकलते हैं और लेकर चलते हैं इस गाड़ी को यहाँ से। बट एक सेकेंड, ऊपर कोई तो बॉडी गार्ड है, बट इसे किसे, ओ तेरी, अपने बॉडी गार्ड ने उसे लपेट दिया। भाई ये पीछे से कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ नहीं आया, घर में ऊपर से शायद ये बालकनी वालकनी पे चढ़ गया होगा। लेट्स गो भाई, अभी सारा मामला सॉर्टेड है, चार पांच कार है इधर, लेकिन अभी अपना टारगेट ये नहीं है कि हमें सुप्रा चुरानी है, अपना टारगेट ये है कि हमें एक गाड़ी चुरा कर ले जाकर डगन को देनी है ताकि उसको हमारे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट होए और वो हमें अपने अंडर रख ले, उसके बाद हम लोग उसे मार पाएंगे। बाय द वे गाड़ी अनलॉक हो चुकी है, अंदर आ चुके हैं तो क्यों ना थोड़े बहुत इसके भाई पॉप्स मार दिए जाए। भाई लेट्स गो, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई, ओल्ड टाइम पीछे आग निकल रही है। लेकिन यार जो भी है, गाड़ी को चलाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये कार कोई नॉर्मल कार नहीं है, ये प्रॉपर एक ड्रिफ्ट कार है जो कि ऑल टाइम ऐसे ड्रिफ्ट मारने वाली है, प्रॉपर फिसलने वाली है। इसका टायर देख रहे हो कहाँ जा रहे हैं, भगाते हैं भाई अभी इसको, मैं कुछ करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा क्यों डगन बॉस इस गाड़ी को चुराना चाहता था। ये देखो ये क्या फिसल रही है भाई गाड़ी, लेट्स गो, टायर मोड़ गए, थोड़े बहुत डोनट्स मारते भाई, प्रॉपर हेलीकॉप्टर कार है भाई। तो ये रीज़न है, इसीलिए डगन बॉस को ये कार चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट ड्रिफ्ट कार है जो कि इस बंदे ने कहीं से तो मॉडिफाई करवाई है, क्योंकि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, मतलब यहाँ पर लॉस एंटोस में सभी गाड़ियाँ लेफ्ट स्टीयरिंग वाली है बट ये गाड़ी राइट स्टीयरिंग वाली है, मतलब शायद ये किसी और कंट्री से इम्पोर्ट होकर आई है। बट जो भी है भाई, मैं इसे सच में चला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत गंदी तरह फिसल रही है भाई। अभी चुपचाप से इसे साइड में, ये पिटेगा, बच गया। अगर गाड़ी ठुकती ना दीवार में इसको पहले ठोक देते, बट ठीक है बच गई, हल्की सी टक्कर लगी है, वो डगन अपना रिपेयर करवा लेगा। फिलहाल अभी कहीं शांत जगह पर चलते हैं, डगन को फ़ोन करते हैं और पता करते हैं कि आखिरकार हमें उसे गाड़ी उसके घर पे ही ले जाकर देनी है या फिर
क्या सीन है। ओके तो ये थोड़ा सा सुनसान एरिया मेरे को लग रहा है, प्लीज वीडियो मत, बस 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 आराम से उतारना भाई से। ये गाड़ी इतनी फास्ट है कि हल्की सी रेस देती भाई, ये सीधा उड़ने लग जा रही है। डन, ये एकदम मस्त सुनसान एरिया है। अभी फटाफट से डगन को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पे आना है। ओके गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है और वो हमें कह रहा है कि इस गाड़ी को लेकर पोर्ट पे आ जाओ, मतलब जहाँ पर शिप वगैरह में कंटेनर्स वगैरह लोड होते हैं, वो शायद से इस गाड़ी को लोड करके कहीं तो भेजना चाह रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है जिसकी भी कार है वो ढूंढा ढांडी तो करवाएगा। तो डगन क्या कर रहा है, इस गाड़ी को सिटी से ही बाहर कर देगा तो बंदा ढूंढ ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई, फटाफट से लेकर पहुंचते हैं इस गाड़ी को वहां पे और देखते हैं कि आखिरकार अब डगन हमें अपने अंडर काम पे रखने वाला है या फिर नहीं। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल तुम्हारा भाई सुपरा से मस्त ड्रिफ्ट और पटाखे मारते हुए उस लोकेशन पर पहुंच चुका है जहां पर हमें डगन ने मिलने के लिए बुलाया है। वैसे यार देखो भी पता है मैं क्या सोच रहा हूं कि इस गाड़ी को ना डगन को ना देकर भाग जाऊं भाई मैं, इसे लेकर अपने घर पर ले आके खड़ी कर दूं, लेकिन भाई डगन को मारना है तो यार देखो उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। बाय द वे इसी जगह पर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैं शिप के पास आ चुका हूं, बट वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहुंचा ना हो, क्योंकि उसने जब हमें कॉल करा था वो यहीं पर था। आई थिंक वो इस वेयर हाउस के अंदर है भाई। ठीक है एक बारी गाड़ी घुमा कर अंदर लेकर चलता हूँ, उनको ऐसा लग तो रहा है यहीं है, बट जो भी है भाई गाड़ी ये सच में डगन को देने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घूमती है ना भाई 360 वगैरह मज़ा आ जाता है। एंड आई थिंक यही है डगन भाई, पूरी सिक्योरिटी के साथ आया भाई, ये देखो अलग ही लेवल सिक्योरिटी लेकर घूमता है। यहाँ पर गार्ड्स ही गार्ड्स एकदम मस्त खड़े हुए हैं, इसके आगे गन अंदर रख लेते हैं भाई फटाफट से और अभी चलकर इससे बात करते हैं गाड़ी के बारे में, क्योंकि अपना काम हमने कर दिया है। ऑल राइट, तो अभी फिलहाल डगन काफ़ी खुश हो चुका है क्योंकि हमने इसकी मनपसंद कार इसको लाकर दे दी है। लेकिन भाई ये बंदा ना सच में बहुत ज़्यादा चंट है, ये कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकता, गाड़ी वगैरह टेस्ट करके देख रहा है और इसने हमें एक काम और दे दिया भाई करने को, मतलब इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि हमें और चुरा कर लाने हैं, उसके बाद ये हम पे फुल ट्रस्ट करने वाला है। बाकी इसको गाड़ी मिल चुकी है, पता नहीं इसकी क्या प्लानिंग है, बट ठीक है अभी जल्दी से मैं बैठता हूँ, इसने हमें गाड़ी दी है। हाँ मतलब इसके साथ काम करने का ना एक फ़ायदा तो है भाई कि गाड़ियाँ बहुत मस्त मस्त मिलती है भाई घूमने फिरने को। अभी इसने हमें डिफेंडर दिया है और अभी हमें जाना है एक दूसरी लोकेशन पे किसी एक बंदे को मारने के लिए और वहाँ पर जाकर हमें उससे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। ठीक है भाई, बाकी फटाफट से पहुंचते हैं, मस्त गाड़ी है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सेकंड लोकेशन पर भी पहुंच चुका हूं जहां पर हमें डगन बॉस ने भेजा है। तो इस जगह पर ना मैं अकेले ही जाने वाला हूं क्योंकि यहां पर जो काम है वो काफ़ी साइलेंटली करना है, एक बंदे को चुपचाप से मार के बस डॉक्यूमेंट चुरा कर लाने हैं। तो इसको भेज देते हैं, अपना गाड़ी लेकर निकल जाएगा और मैं अकेला चलता हूं इस जगह पर काम करने के लिए। चल भाई, ये अपना चला गया, तुम्हारा भाई अकेले निपटाएगा इस मिशन को। ओके तो भी फटाफट से हम लोग चलते हैं उस सामने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ की लोकेशन हमें डगन बॉस ने दी है। बाय द वे एक सेकेंड, वहाँ सामने शायद से गेट तो नहीं है, पूरा खुला एरिया है, बट यहाँ पर कोई तो शायद सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। हाँ मतलब कोई कुछ इंपॉर्टेंट काम है डगन का, तो बिना सिक्योरिटी के नहीं होने वाला। हेलो, ये मेरे को यहाँ से वापस जाने के लिए बोल रहा है, तो मेरे को समझ है अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं था, इसने भाई सीधा गोलियां निकाल ली। भाई वेट, यहाँ पर और भी बंदे हैं पर टेंशन वाली बात नहीं है, इधर निकल यहाँ से, एक को मैंने मार दिया है। अभी यहाँ पर आगे एक सेकेंड ले भाई, वेट वेट वेट, आजा आजा आगे आजा आगे आजा, ये ले भाई वेट, निशाना काफ़ी कच्चा हो गया भाई, बहुत दिन हो गए ना फाइट करे हुए, पर ठीक है एक को निपटा दिया, शायद पीछे से भी किसी ने गोलियाँ चलाई है। ओ ओ एक सेकेंड कवर लेना पड़ेगा भाई, दोनों साइड अभी बंदे आ गए हैं, एक सामने एक पीछे। भाई अपनी गन निकल यहाँ से, भाई गन रीलोड पे लगी हुई थी इसलिए बजा रहे थे, पर ठीक है अभी इसके गन वहाँ कहाँ देख रहे हैं, थोड़ा अलग ही ढीला बंदा है यार, वहाँ पर पता नहीं कहाँ देख रहा था, बट ठीक है इसको मैंने मार दिया। एक बंदा यहाँ पर और आया, आजा आजा उठ निकल यहाँ से, चलो भाई लेट्स गो, मामला पूरा क्लियर कर दिया भाई नीचे का, थोड़ी बहुत गोलियाँ बच गई, बट वेट यहाँ पर और बंदे हैं भाई, यहाँ पर कम बंदे नहीं है, थोड़े ज़्यादा लोग हैं, दूर है बट इसको भी, ओ वेट गाड़ी पर लग गई, थोड़ा बाहर निकल के मारता हूँ इसे, निकल यहाँ से। भाई ये रिवॉल्वर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बस एकदम मस्त एम रखना है और बजा देनी है, पर यार हाथ पे गोली लग गई है अपने, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी यहाँ पर ना और भी काफ़ी सारे बंदे हैं, थोड़ा बहुत संभल के रहना भाई, गाड़ी आ गई एक, रुक जाओ, गाड़ी के लिए तो AK-47 निकलेगी, अभी बजाएंगे इनके, कहाँ रुकी है, ओ तेरी भाई पूरे भर के बंदे आए थे गाड़ी में तो, पर ठीक है सबको लपेट दिया। एक सेकेंड पीछे भी कोई तो चिल्ला रहा है, कोने पे हीरा, तेरे रिवॉल्वर पड़ेगी मत्थे पे, इधर आ, एक सेकेंड निकल, ओ नहीं नहीं निकल यहाँ से, चलो भाई लेट्स गो, बजा दिया यहाँ पर जितने भी लोग थे, बटा यार सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है भाई, पता नहीं ऐसे क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हो सकता है डगन बॉस इस पूरी बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट चुरा रहा हो भाई, मतलब अगर
क्या पता हम वो डॉक्यूमेंट ले जाके डगन को दें तो वो पूरी बिल्डिंग अपने नाम कर ले। और ठीक है यार, अभी हमें उसके लिए काम करना है, तभी वो अपने एंटर रखेगा और हमें उसे मारना है, वो मेन टारगेट है। अभी ज़्यादा लालच नहीं करनी है, लेट्स गो। ओ वेट, ले भाई, यहाँ पर भी डेंजर सिक्योरिटी है भाई साहब। यहाँ पर एक बंदा था, आते ही उसने हमें देख लिया था, पर मैंने मार दिया है। हो सकता है और भी लोग हों, तो थोड़ा बहुत संभल के चलूंगा मैं। एक सेकेंड, आ जा बेटा, निकल, तेरे को तो पूरा खोलूंगा मैं। सरप्राइज कर रहा है, भक्कर आया था भाई डेंजर तरीके से। एक सेकेंड, पीछे कोई है क्या? यहाँ से दोबारा करते हैं। ये बंदा ऐसे भाग कर आया भाई, इसने तो अलग ही डरा दिया था, पर ठीक है अभी इसे मार दिया। गन वगैरह रिलोड कर लेते हैं आगे, हो सकता है एक जन और हो, फिलहाल दिख तो नहीं रहा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे भरा पड़ा है यहाँ पर एक गार्ड से। एक जन होना चाहिए भाई, एक से। ओके ओके, पीछे उधर बैठा है, ले एक गया, एक अंदर वाली साइड पर मेरे को दिखाया। वेट वेट वेट, कवर कवर कवर, इधर आ भाई। यार कितने सारे लोग हैं, पूरा भरा पड़ा है जगह। एक गया, तीन लोग हैं यहाँ पर, इन तीनों को लपेटना है भाई। ले एक, अब बस इधर बचा है लास्ट। ले भाई, बहुत गंदी तरह बंदों को बैठा रखा भाई, मुझे मारे के ऊपर से भी कहा गेल ले। खत्म ही नहीं हो रहा भाई, आखिर कितने बंदे हैं यहाँ पर, क्या चल रहा है ये? बंदे पे बंदे आए जा रहे हैं लेकिन ख़त्म होने का नाम ले रहे हैं। बट ठीक है, अब ये दूसरी लिफ्ट है, यहाँ से और ऊपर जाने वाली है, और शायद हमें वो बंदा मिल जाएगा जिसको हमें मारकर उससे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस अपना काम हो जाए, बस सब सारा सही सीन है। अभी तक हम लोग सेफ हैं, जितने बंदे मारने थे सबको मार डाले। पर भाई ये कितनी, ओ वेट, ये लोग तो अपना हेलीकॉप्टर लेकर ही यहाँ से भाग रहे हैं। मुझे रोकना होगा, सीधा पायलट की शॉट बजाऊंगा, अपना काम हो जाएगा। निकल यहाँ से, वेट, पड़ गया, शॉट पड़ गया भाई पायलट के, सारे बंदे नीचे गिर चुके और हेलीकॉप्टर यहीं आके क्रैश हो गया भाई। एक सेकेंड, ऊपर से कौन मार रहा है? रुक जा बेटा, तेरे तो अभी पड़ेगा हेडशॉट। इधर आ, निकल यहाँ से, इतनी देर से देख रहा हूँ गोलियाँ चलाए पड़ा है, बट ठीक है मामला पूरा क्लियर कर दिया। तो बचा है ना, तेरे तो मुंह पे एक और पड़ेगी। खेल ले, निकल यहाँ से, अभी अपना काम पूरा हो चुका है और मुझे शायद इस एरिया से निकलना चाहिए, बट मुझे पहले इनसे वो फाइल्स लेनी होगी, जो कि कहाँ है भाई, जल तो नहीं गई होगी हेलीकॉप्टर के साथ ही। वेट यार, मुझे चलकर देखना होगा भाई, पूरा हेलीकॉप्टर तो गंदी तरह ब्लास्ट हो चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई, बंदे भी पता नहीं इस बिल्डिंग से नीचे जाके गिर चुके हैं, लेकिन हमें ब्रीफ केस मिल चुका है भाई, आखिर बुलेट प्रूफ है, ये तो ब्लास्ट नहीं होने वाला। चलो भाई, तो अभी यहाँ से मस्त मैंने ब्रीफ केस उठा लिया है, अभी फटाफट इस बिल्डिंग से कूदते हैं नीचे। यहाँ पर पैराशूट तो हमें मिल ही चुका है ऑलरेडी, अब बस देखना ही होगा किस साइड से कूदें। वैसे डायरेक्ट जा रही है नीचे, फटाफट यहीं से जंप मारते हैं भाई, लेट्स गो। अब बस एक बढ़िया सी लैंडिंग हो जाए, क्योंकि भाई पैराशूट मस्त निकला तो पैर ही टूटेंगे। बट नहीं यार, माइकल अभी इन सब काम में फुल प्रोफेशनल हो चुका है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से। पेड़ की झाड़ियों में अटक जाता भाई पैराशूट कभी कभार। एंड आई थिंक अभी ये जगह बहुत ही सेफ है मस्त लैंडिंग के लिए, एकदम गिरने वालों। ओह वाह, क्या ही बढ़िया लैंडिंग हुई है, लेट्स गो भाई। अभी ब्रीफ केस तो हमें मिल चुका है, जिसके अंदर सारी वो इंपॉर्टेंट आइटम है, बट अपने बॉडी गार्ड ने हमें यहीं वेट करने के लिए बोला था भाई। एक सेकेंड, ये इसने नीचे पार्किंग में गाड़ी लगा रखी थी और भगा कर लाया फुल स्पीड में। ठीक है, अभी जल्दी से बैठते गाड़ी में, हमने डगन का सारा काम आज कर दिया है। और अबे कहाँ से ले जा रहा भाई, ये अलग ही तगड़ा ड्राइवर है, बट हाँ हमें इसकी टेंशन नहीं है। अभी सारा ध्यान मेरा वहीं पर है कि क्या डगन अभी हमें अपने अंडर काम पर रखने वाला है या फिर नहीं। अगर देखो उसने नहीं करा, भगा दिया ना, तो भाई सच में आज ही मैं वो टैंक ले जाकर उसे उड़ा दूंगा। बट हाँ, लेस्टर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग, वो हमें अपने अंडर रखेगा, उसका प्रॉपर लेफ्ट हैंड में बनना है, पूरा ट्रस्ट जीतना है, उसके बाद उसे मारना है। चलते हैं अभी उसके घर पे। तो चलो गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी डिफेंडर लेकर पहुंच चुके हैं डगन बॉस के रेंच पे। वैसे आ रही है अपनी डिफेंडर नहीं है, ये डगन बॉस की है भाई, पता नहीं कहाँ से यार आखिर इसके पास इतना सारा पैसा आ चुका है, इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, इतना बड़ा घर इसने ले लिया। बट जो भी है, इसने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे वो मैं लेकर एकदम सेफली यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और अपना जो बॉडी गार्ड है वो अंदर नहीं जाने वाला है, क्योंकि डगन से मैं अकेला डील कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बंदे घुसेंगे तो मैटर उतना ही प्रॉब्लम वाला होने वाला है। फटाफट से चलकर बात करते हैं इनसे और फिर चलते हैं अंदर डगन से मिलने के लिए। ओके, तो अभी फिलहाल इस घर में अपनी भी बातचीत बनना शुरू हो गई है भाई। आखिर डगन के लिए हमने इतने बड़े बड़े दो मिशन जो करे हैं, तो इन्होंने अभी हमें अंदर जाने की परमिशन दे दी है, पर अपने सारे के सारे वेपन्स हमसे छीन लिए भाई इन्होंने, क्योंकि इन्हें अभी भी डगन की थोड़ी सेफ्टी का खतरा है। फिलहाल चल के डगन से बात करते हैं और पता करते हैं कि भाई आखिर आगे की प्लानिंग क्या है प्रॉपर। लेट्स गो गाइस, तो प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, डगन बॉस ने हमें अपने अंडर काम करने के लिए रख लिया है, और सबसे मस्त चीज़
इसने हमें अपने ही घर में नीचे रहने के लिए एक बढ़िया सा रूम भी दे दिया, क्योंकि अब हम लोग इसके लेफ्ट हैंड बन चुके हैं। मतलब आधे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी हमसे ही करवाने वाला है। लेकिन अभी ये कह रहा है कि तुम पहले ना फटाफट से अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, और कल जो काम है वो हमें ये मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग ही बताने वाला है। मतलब ये पूरी बैंड बजवाएगा भाई, सारी दुश्मनी सारे काम हमसे करवाने वाला है। बट जैसा कि हमें लेस्टर ने कहा था, हमें उस प्लानिंग पे चलना है। मुझे रात होते ही डगन के ऑफिस तक पहुंचना है और इसका लैपटॉप एक्सेस करना है, ताकि मैं पता कर पाऊं कि आखिरकार इसके सारे डॉक्यूमेंट्स कहां पर है। मतलब मुझे मेनली ये पता करना है कि इसके वो टैंक्स कहां पर खड़े हैं जिसे मैं ब्लास्ट कर दूं, उसके बाद अपना टैंक लाके इसकी सारी मिलिट्री खत्म करके इसे मार डालूं। बाय द वे, डगन इस टाइम अपने ऑफिस में नहीं है, तो बेस्ट टाइम यही होगा कि मैं उसके ऑफिस में जाऊं और उसका लैपटॉप एक्सेस करके सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल लूं। लेट्स गो। जहां तक मुझे याद है मैं इसी रास्ते से गया था। वेट एक सेकेंड, डगन वहां पर किसी सामने दरवाजे से निकल कर आया और हेलो, देखने में ये एक नॉर्मल बुक शेल्फ लग रहा था, बट एक्चुअल में ये कोई एक दरवाज़ा है। भाई सच में ये घर ना भाई बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया है भाई, पता नहीं कैसे कैसे सीक्रेट डोर्स हैं यहाँ पर। डगन नीचे गया उस ब्रीफ केस को लेके। मुझे भी चलना चाहिए, पक्का नीचे कुछ ना कुछ तो है जो डगन ने बहुत खतरनाक तरीके से छुपा रखा है। भाई कैसा अजीब सा रास्ता भाई, लोहे की घटिया सी सीढ़ियाँ और ऐसे मशाल जला रखा है जैसे किसी कासल में आ गए हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पर तीन दरवाजे हैं, एक ये दरवाज़ा है, यहाँ तो डगन नहीं गया। इस तरफ में कोई बड़ा सा रूम ही लग रहा है मुझे। भाई ये क्या है यार, मैं खो जाऊंगा अंदर। ये देखो यहाँ पर वेपन्स बनाने का, इसका मतलब समझ रहे हो भाई, अगर डगन को बाहर से वेपन्स ना मिले तो वो अपने घर के नीचे ही सारी तगड़ी तगड़ी गन्स बनवा सकता है। ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजर बंदा है भाई, ये लेस्टर के भी ऊपर लेवल का। एक सेकेंड, ये वाले रूम में तो प्रॉपर एक वॉल्ट है जैसे एक बैंक के अंदर होता है, और डगन मुझे वहाँ अंदर जाता हुआ दिखा है और उसने वहाँ कहीं ब्रीफ केस रखा और वो शायद किसी को कॉल कर रहा। भाई ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह, वो किसी को कॉल कर रहा है, शायद किसी को यहाँ पर बुला ना रहा हो। मैं ना छुप जाता हूँ भाई इधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई आए और मैं खाली पीली फंस जाऊँ। थोड़ा छुपे रहते हैं ताकि कोई अगर आए तो मुझे एटलीस्ट देखे ना। भाई कसम से, वेट ये किसी को बुला नहीं रहा, शायद इसने कोई सामान रख के फ़ोन में किसी को कॉल वॉल करके मैसेज ऐसे डाल के बताया और ये यहाँ से भी जा चुका है। वेट, मेरे पास कोई वेपन्स वगैरह होते हैं ना इसको मैं उड़ा डालता, बट मेरे को अभी बहुत ज़्यादा मन है अंदर जाकर देखने का कि आखिरकार ये जगह है क्या। भाई यहाँ पर बैंक से भी ज़्यादा पैसा और खजाना रखा हुआ है, महंगी महंगी पेंटिंग्स, इतना सारा कैश, डायमंड्स, भाई बहुत महंगी महंगी घड़ी है, और इस तरफ में भी भाई पता नहीं कितना सारा ज्वेलरी और कैश, डायमंड, भाई हर टाइप का महंगा आइटम इसने अपने घर के नीचे रखा हुआ है। अब समझ आ रहा है भाई क्यों इसके पास इतनी ज्यादा फोर्सेस है। भाई ये इसका प्रॉपर खजाना है भाई, ये एक क्रेट ही अगर ले जाके बेच दी पता नहीं कितने की मिलने वाली है। भाई मैं ना यहाँ से भी निकलता हूँ, क्योंकि ये बात तो लेस्टर को बताने वाली है। अगर हम लोग इसका ही सारा खजाना यहाँ से चुरा लें, इसका सारा माल ही गायब कर दें, तो ऐसे ही गरीब हो जाएगा। फिर तो इसको मारना मेरे हिसाब से बहुत ईजी होने वाला है, बट इसके घर से चोरी करना ईजी नहीं होने वाला। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इसने सब कुछ बहुत हाई सिक्योरिटी के हिसाब से ही बनाया, कि मतलब बाहर से अंदर आना ही एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। बट हाँ, ऐसी बात नहीं है, अभी अपने लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके प्रॉपर लेफ्ट हैंड बन चुके हैं, तो अपने पास थोड़ी बहुत परमिशन है, बट बिना गन्स के मैं अंदर आ सकता हूँ, बट अपने पास ना गन्स वगैरह नहीं रहेगी फिलहाल। अभी मुझे अच्छी बात है किसी भी गार्ड ने नहीं देखा। फटाफट से हम लोग चल करना फिलहाल के लिए अपने रूम में सो जाते हैं और लेस्टर को कॉल करके सारी की सारी डिटेल बताते हैं कि आखिरकार सीन क्या है। बाकी अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स के लिए, तो आई होप आप लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दोगे। बाय द वे, लेस्टर ने जो प्लानिंग करी थी डगन बॉस को मारने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ही एकदम परफेक्ट चल रहा है, एंड हम लोग जल्दी डगन बॉस को मार डालेंगे क्योंकि वो हमारे ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, और चैनल पर जो लोग भी न्यू है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे भी दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।